तो हेलो दोस्तों दोस्तों एक क्राइम थ्रिलर मूवी आई है थिएटर में, एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा के नाम से, स्टारिंग रणवीर शोरे एंड मनोज जोशी इन लीड रोल, जिसको फाइनली मैंने देखकर खत्म कर लिया है। दोस्तों मैंने देखा था रात के 9 बजे वाला शो, और भाई थिएटर में इस मूवी के लिए भीड़ है ही नहीं। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस मूवी को शोज ही नहीं मिले भाई साहब, यानी कि जो अच्छी मूवी रहती है ना उनको शो बहुत कम मिलते हैं। तो फाइनली मैंने इस मूवी को देखकर खत्म कर लिया है। तो कैसी है ये मूवी, आइए थोड़ी बात करते हैं। क्या ये मूवी आपको एंटरटेन करती है? हाँ। और क्या इस मूवी के लिए थिएटर में जाना वर्थ है भी या नहीं? हाँ भाई हाँ। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है अशोक कुक्कर और आप देख रहे हैं कुक्कर रिव्यू पॉइंट। बात करें इस फिल्म की स्टोरी लाइन की, दोस्तों आप सबको पहले से पता ही होगा कि यह मूवी एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। तो कहानी टेक प्लेस करती है गुजरात के अंदर 2002 के ओरा में, जहां पर एक ट्रेन है साबरमती एक्सप्रेस, जो कि अयोध्या से चलकर गुजरात के गोधरा स्टेशन पर पहुंचती है। और उस ट्रेन पर वहां हमला हो जाता है और ट्रेन को जला दिया जाता है, जिसमें औरतों और बच्चों समेत लगभग 59 आदमी जिंदा जलकर मर गए थे। और इन सब की वजह से ही गुजरात में दंगे भड़क गए थे भाई साहब। तो ये सब आखिर क्यों हुआ, किस लिए हुआ और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? तो अगर आपको ये सब जानना है तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसकी लेंथ वेरी करती है 2 घंटे और 12 मिनट के आसपास। इन द मीन टाइम अगर इस मूवी का रिव्यू मुझे एक लाइन में करना हो तो बस मैं यही कहूंगा कि भाई छोटा पैक और बड़ा धमाका। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों इस मूवी को लीड कर रहे हैं रणवीर शोरे एंड मनोज जोशी, दोनों ही वकील है। रणवीर शोरे मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं और मनोज जोशी हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दोनों का काम ठीक ठाक ही था स्क्रिप्ट के हिसाब से। और इनके अलावा जितने भी सपोर्टिंग कास्ट इस मूवी में काम किया है ना भाई, सबका काम ओके ओके था, यानी कि परफॉर्मेंस वाइज यह मूवी ओके ओके है, जो आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी। बात करें पॉजिटिव की, दोस्तों इस मूवी की यूएसपीएस की कहानी, जो अपने आप में एक ऐसी घटना है जो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती, और इस चीज को यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में प्रेजेंट किया गया है। मूवी में जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद कोर्ट में कैसे इस घटना को एक्सीडेंट साबित करने में लगे हुए थे, इस चीज के ऊपर भी फोकस किया गया है। मूवी की प्रोडक्शन वैल्यू ठीक ठाक थी इसके बजट के हिसाब से, भाई साहब मूवी का बजट कुल 10 करोड़ रुपए है, लेकिन फिर भी उस टाइम का दिखाने के लिए मूवी में जो सेट लगाए गए, लोगों के कपड़े, वहां का रेलवे स्टेशन और ऊपर से वो ट्रेन और इसकी कलर ग्रेडिंग, सब कुछ परफेक्ट था, जो सिचुएशन से मैच भी हो रहा था। और दोस्तों इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी थी, और ऊपर से इसका जो CGI इफेक्ट थे ना, इतना कम बजट होने के बाद भी इसके CGI इफेक्ट्स को देखकर आपको 100% मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। और भाई इस मूवी के जो लास्ट के 15 मिनट है ना, वो आपको झकझोर कर रख देंगे, आपकी आंखें नम हो जाएगी, आपकी आंखें नम क्या, आपकी आंखों में से आंसू गिरने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि भाई आखिर उस टाइम पर उन कार सेवकों के ऊपर क्या बीती होगी जब उनको जिंदा जलाकर मारा था। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है, बिना कोई डर दिखाए हुए। बात करें नेगेटिव की, दोस्तों इस मूवी का बजट है ना काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इस मूवी से आप बड़े बड़े सेट और ज़बरदस्त वाला कोर्ट रूम ड्रामा की उम्मीद तो ना ही करना। मूवी का स्क्रीन प्ले भी स्लो फील होगा आपको, स्पेशली इसके फर्स्ट हाफ में, और आप ये सोचोगे कि भाई कहानी अपने मेन टॉपिक पर आखिर क्यों नहीं आ रही है। मूवी में एक फैमिली को दिखाया गया है जो कि उस ट्रेन में सफ़र करने वाले थे। मुझे पता है कि ये सब इमोशन बिल्डअप करने के लिए किया गया था, तो मेरे ख्याल से अगर इस टॉपिक को थोड़ा और डीपली दिखाया जाता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। मूवी का कोर्टरूम ड्रामा भी इतना ज़्यादा इंपैक्टफुल नहीं लगा मुझे, जिसमें से कुछ एक डायलॉग तो बचकाने लग रहे थे भाई साहब। और दोस्तों इस मूवी का BGM भी एवरेज है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए बस इतना कहना चाहूँगा कि ऑल इन ऑल यह है एक ठीक ठाक सी मूवी है, जिसको एक बार जरूर देखना चाहिए। दोस्तों यह मूवी और भी अच्छी हो सकती थी अगर इसको ठीक से डायरेक्शन मिल जाता तो। रही बात पैरेंटल गाइडलाइन की, मूवी में कोई न्यूडिटी नहीं है, वल्गर सीन नहीं है, तो इस मूवी को अगर आप बच्चों को ना ही दिखाएं ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों मेरी तरफ से इस मूवी को मिलेंगे 3.5 out of 5 star। भाई मूवी काफ़ी अच्छी है जो आपको निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू इस मूवी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, इसमें कोई पैसे थोड़े लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।